वेलकम लेडीज एंड लेडास। तो आज हम पार्क में आए हैं कुछ बातचीत करने। आप लोगों को लग रहा होगा कि स्टूडियो में बैठ के क्यों नहीं बोल रहा, यहाँ पर आके क्यों बोल रहा है। तो उसके पीछे एक रीजन है कि सब लोग बोलते हैं कि जो रोस्टर्स होते हैं ना वो सिर्फ एक कमरे में बैठ के बोल सकते हैं। आज हम खुले में आगे बोल रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? शौच करने टट्टी करने नहीं आए हैं, खुले में सिर्फ बातचीत करने आए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उर्फी जावेद के बारे में। बाढ़ में गया मनीष मल्होत्रा, बाढ़ में गई नीता लुल्ला। मैं तो फैशन डिजाइनर चाहिए उर्फी जावेद। कोई भी चीज हो उससे ड्रेस बना लो। ये गमला है इधर लगा लो, ये पत्ता है इधर लगा लो, ये चप्पल है इधर लगा लो, ये फोन है इसको चार्ज लगा लो। हाँ, तो बाकी की जो वीडियो है ना वो कमरे में ही होगी, क्योंकि उर्फी जी का फैशन ना मैंने कॉपी करना है। और यहाँ पे कपड़े उतार के पत्ते यहाँ नहीं लगा सकता, सब देख रहे हैं। चलिए यार, टट्टी भी आ गई जोर से। चलो गाइस, बहुत जोर से आ रही है लेकिन फिर भी कंटेंट के लिए मैं कर रहा हूँ। ये डायपर है, ये उसकी रुई है। उर्फी जी इससे भी ड्रेस बन जाएगी, इसको भी लगाओ इससे भी बन जाएगी। आ गई। तो भाई, फैशन इन्फ्लुएंसर या फैशन डिजाइनर बनने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? एक अच्छा दिमाग, अच्छे स्किल्स, अच्छी ड्राइंग और मेन चीज कपड़े। लेकिन हमारी उर्फी जी के हिसाब से तुम्हें एक ड्रेस बनाने के लिए, फैशन डिजाइनिंग करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है साइकिल की चेन। उफी जी, ऐसे फैशन डिजाइनर का तो पता नहीं लेकिन एटलस की ब्रांड एम्बेसडर जरूर बन जाओगी। जरा सोचो, एक ये रील के लिए कितने साइकिलों की चेनें निकाली होंगी। उफी जी, मेरे को तो आपसे टूरू लोब हो गया, टूरू लोब। जरा सोचो, तुम ऐसी लड़की के साथ डेट पे जा रहे हो जो ड्रेस की जगह पर ये चेने चूने लगा के आ रही है, तो फूल और चॉकलेट्स की जगह तुम क्या गिफ्ट लेके जाओगे? तेल की शीशी। हाँ, अब एक टाइम तो तेल डालना पड़ेगा ना चेनों में। ये भी ठीक है, अगर कोई ड्रेस तुम्हें ना मिले तो मच्छरदानी उठा के उसकी ड्रेस बना लो। शरीर का कौन सा और कितने प्रतिशत अंग कहाँ छुपाना है, किस तरह छुपाना है, ये कोई उर्फी जी से सीखे। यार सीरियसली, मच्छरदानी यार, ये बंदी किसी भी चीज से ड्रेस बना सकती है, लिटरली किसी भी चीज से। तुम्हारे घर में कोई कूड़ा करकट, कोई पुराना कबाड़ भी पड़ा होगा ना, उसको उठा के ये बंदी ड्रेस बना लेगी। तुम्हारे पास कुरकुरे के दो फटे हुए पैकेट पड़े, उसको भी चिपका के ड्रेस बना लेगी। बहन चो, इतनी भी क्रिएटिविटी नहीं चाहिए जिंदगी में? ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओए भाई, ओए जल्दी कर, मेरे मेरा सिर फाट गया, मेरी पट्टी लगा दे भाई जल्दी। ये हुआ क्या है? और मेरा सिर फाट गया, बस कर पट्टी लगा दे। हाँ, चल 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 जल्दी ढूंढ पट्टी 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 कर पट्टी ढूंढ पट्टी ढूंढ पट्टी 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 ढूंढ पट्टी ढूंढ है। चुप्पी कितने है मेरी। हाँ गाइस, मैं जा रहा था डेट पे अपनी फ्रेंड के साथ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये मैंने नई ड्रेस इन्वेंट की है, क्रिएट की है। यू नो, मैं फैशन डिजाइनर हूँ गाइस, फैशन डिजाइनर। एक जो दुद्दू है वो मैंने ऐसे छुपा लिया, दूसरा जो है वो मैंने बना दिया। तो अब मैं सारी डेट पे ऐसे ही रहूंगा। आई होप आपको मेरी ड्रेस बहुत पसंद आई। 20-30 हजार कमेंट कर दो, 5-6 लाख लाइक कर दो, और बाद में अगर मुझे कोई गलत मैसेज करता है तो मैं उसे एक्सपोज कर दूंगा। ठीक है, आप समझ गए? ओ सॉरी सॉरी, पेडिग्री जैसी दिख रही है। पागल है सारे मोहल्ले की घड़ियां लेके स्कर्ट बना ली। मतलब जो चीज जहाँ पे पहननी चाहिए वहां पे तुमको जचती नहीं है, वहां पे तुमको पसंद नहीं आती। अबे तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुम्हें देख के बहुत से निब्बे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। 16-16, 17-17 साल के च्यवनप्राश खाने वाले चड्डी मुंह पे पहन के स्पाइडरमैन खेलेंगे। अबे जो चीज जहाँ के लिए बनी है उसको वहां रहने दो ना। ये क्या है? इधर घड़ियां, इधर इधर। और तुम्हारी किसी भी ड्रेस में कोई लॉजिक बन रहा है? इतनी घड़ियां लगा ली, कोई रास्ते में जाते हुए तुम्हें घूरेगा ना, तो ये मत समझना को तुम्हें देख रहा है, वो अपना टाइम देख रहा है। कब तारक मेहता शुरू होएगा, 8:30 बजे के नहीं बजे? ओए अक्ल नुआ तुम्हार, कुपोषित औरत, जाके शकरकंदी के परांठे खा के तेरा शरीर बने। वैसे ये अपनी जगह भी ठीक है, 32 किलो की टोटल खुद है और इससे बारी बारी तो ड्रेसेस होती है। और इन पे अगर कोई कमेंट कर दे तो आगे से ये बोलती है, अपनी चड्डी संभाल के रखो, कल को ये सबकी लेके अपनी स्कर्ट ना बना ले।
और कर लो स्टैग एंट्रियां, और करो लड़कियों की एंट्रियां फ्री क्लब में। आ गया स्वाद, सारा फर्स्ट फ्लोर खाली पड़ा है, सिर्फ मुंह ढक लिया। औरतों की राजकुंद्रा, और ऊपर से ये किस प्रकार का डांस है यार, ये कौन सा डांस है? दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। अच्छा लड़कियों की एक बात है, इनको डांस नहीं ना आता होता, बस ऊपर से नीचे हाथ ले जाती है, बस बात खत्म। इनके हिसाब से तो दुनिया के सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस यही देती है, बस ऊपर से नीचे हाथ लेके जाना है, दैट्स इट, इनका डांस खत्म। ये कौन सा दर्द डिस्को है, केड़ा डिस्को इथे इथे केड़ा डिस्को है। भाड़ में गए सारे ब्रांड, भाड़ में गया सरोजनी नगर, भाड़ में गया थ्रिफ्ट शॉप, बस फूल उठाओ स्टेशनरी शॉप से, साथ में टेप ले लो उसको चिपका लो, खत्म। वाह जुत्ती मेरी लव तेरी। Like have you seen my silhouette? Sheesh, it's giving. So, दोस्तों और उनकी आगे वाली बहनों, आगे हम बात करने जा रहे हैं सोफिया अंसारी के बारे में। अब जब उर्फी जी के बारे में बात चल रही है तो सोफिया अंसारी खुद ब खुद ही बीच में आ जाती है। तो चार पांच मेरे पास मजेदार वीडियो है जिनके ऊपर मैं बात करने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, तो उनके बारे में बात करते हैं। अच्छा वेंसडे के गाने पे डांस किया जा रहा है, तीनों का मुंह मिला के रविवार जितना नहीं बन रहा, डांस वेंसडे का करना है। और भाई एज एन आर्टिस्ट इनका कॉन्फिडेंस ना बहुत ऊपर लेवल पे, ऐसे मॉल के बीचों बीच खड़े होके अगर मैं ढुमका हिलाने लग जाऊं ना, ऑडियंस का तो पता नहीं, आसपास वाली जनता का तो पता नहीं, मेरा बाप मेरी गेंद कूट देगा। जरा सोचो तीनों के मिला के पता नहीं कितने ढेर सारे मिलियन, और ऐसे डांस करते हुए मॉल में जो निकल रहा है वो 10 रुपए रख के चल जाए, मजे ही आ जाएगा। और चाजे नाल नहाते लो, मैं देख देख के तुम्हारा लाइफ बॉय साबुन खुद ही जाग बनाई जा रहा है। क्या कहा था मैंने, कॉन्फिडेंस, अब इतना कॉन्फिडेंस है कि नहाते नहाते कोई बना ले। वैसे सोफिया जी आपको दुल्हन बनने का जो ख्याल है वो शावर में क्यों आया? ए नाटी नाटी नाटी। सोफिया जी कुछ ज्यादा नहीं हो गया, तुमसे पर्दा करूं? पूरे इंडिया से तो आपने कोई पर्दा नहीं किया, उस स्पेशल बंदे से तुमने पर्दा करना है। एक साइड बोल रहे हो दुल्हन बना के ले जा, दूसरी साइड पर्दा करना है। टट्टी खा लो, क्या करूं। एक तो एक गाने ने इतनी मत मारी हुई है ना, जब भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लो ना, मैं क्या करूं, बिग्गा बिग्गा है समा, कितना बिग्गा, इतना वेट कौन होता है? हालांकि जब देखो बिग्गा बिग्गा है समा, क्या करूं। एक लड़की ने खुले कपड़ों में डांस क्या कर लिया, वो वायरल क्या होगी, सारी लगी पड़ी है। जिनका मीडियम साइज भी है वो भी पापा की डबल एक्सएल शर्ट पहन के लगी पड़ी है, बिग्गा बिग्गा है समा, रेनकोट ले ला, खोती थी बच्ची, बिग्गा बिग्गा है समा, पागल कर दिया इस ट्रेंड ने, पागल। जिनकी पतली है वो करती भी है तो अच्छा लगता है, और जिनका मेरे करियर से बड़ा पेट है वो भी लगे पड़े, पतली कमरी मोरे हाय हाय हाय, और तेरी पतली है, तेरा पतीला है साले पतीला। तो बस यार आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, छोटी वीडियो थी मेरे को पता है, लेकिन अगली वीडियो की तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी मुंबई की फ्लाइट पकड़नी है, मैं जा रहा हूँ, और ये वीडियो जो है मुंबई से वापस आने के बाद ही पोस्ट होगी। अगली वीडियो जो है निबल निबी पे भी बनेगी, और भी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट है मेरे पास। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया वीडियो के साथ, बढ़िया बढ़िया जोक्स के साथ। तब तक सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, ठीक है, बाय।